बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार में बचे बाढ़ से त्रासदी की खबरों के साथ। बिहार के कई जिलों में नदियों ने लोगों की जिंदगी पर बहुत ही गहरा असर डाला है। कहीं कटाव से तो कहीं तेज बहाव से जन जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है, लेकिन धीरे धीरे अब जलस्तर के कम होने से परेशानी भी कम हो रही और पलायन किए लोगों के लिए देवदूत बन गए SSB के जवान, दिन रात मदद कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बाढ़ से परेशान लोगों की कहानी एक जैसी ही है और तस्वीर भी कमोबेश एक जैसी है। तभी तो भागलपुर के नौगछिया के पंचगछिया गांव के लोग परेशान हैं और जहां तक नजर आपकी जाती है वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। पानी आ गया है पूरा। कोई देखने उपने आया अभी? कोई तो कोई देखने नहीं आया। कैसे रह रहे हैं? तो ऐसे चौकी बिछा देते हैं। भागलपुर की ये तस्वीर भी जरा देख लीजिए, जहां जिंदगी छत पर गुजर रही है। कई लोग घर बार छोड़कर पलायन तक कर चुके हैं और कई पलायन कर रहे हैं। रोड पे जा रहे हैं। डर नहीं लग रहा है बच्चे डर को? बहुत लगता है डर, तब हिला होता है, डर लगता है बाहर जाने में। जान बचाने के लिए रोड पे जा रहे हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज से पीरपैंती तक गंगा के जलस्तर बढ़ने के बाद कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। बाढ़ पीड़ित और विस्थापित की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, राहत कैंप बनाए गए हैं ताकि लोगों की परेशानी को हर संभव कम किया जा सके। देखिए, आपको पता है कि जो गंगा का जलस्तर है वो उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है और पीरपैंती से लेकर सुल्तानगंज तक कई हिस्सों में गंगा का पानी प्रवेश किया है, जिसके चलते बहुत सारे गांव से लोग विस्थापित हुए हैं और जिला प्रशासन के द्वारा कम्युनिटी किचन और जो भी बाढ़ राहत सामग्री है उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। और विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से हमारी जितनी ERSS की गाड़ियां हैं उनको जो कम्युनिटी किचन है या बाढ़ पीड़ितों का जो ठहराव स्थल है, शिविर है, उसके आसपास ही हमने स्टैटिक किया हुआ है और मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग की भी पार्टी है। वहीं भागलपुर के सबौर प्रखंड के मसाढ़ू गांव में कटाव की वजह से घर और जमीन दोनों ही गंगा में समाते जा रहे हैं। 3 घर गंगा के आगोश में अब तक समा चुके हैं। गांव वाले सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। भोजपुर में कई सालों बाद बाढ़ ने तबाही मचाई। गंगा और सोन नदी में अचानक से बाढ़ आने के बाद लोग प्रभावित हुए हैं और पलायन कर ऊंचे स्थानों पर जाने को विवश। एजा से लेके आरा तक एजिस से पानी प्रवेश करेगा। अगर ये मुहानी के बंद कर दे जाए, ये जब फाटक लगा दिल जाओ कि आवश्यकता अनुसार पानी के काम हुई तो पानी ले जाए। वहीं शेखपुरा के कुसुम्भा प्रखंड के अंतर्गत हरुहर नदी के किनारे बसी बस्ती में पानी समा गया और पशुपालक परेशान हो उठे, क्योंकि पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती है। पानी का आने का कारण पूरे दिक्कत हो गया। जिला प्रशासन की ओर से कोई मदद पशु अति को चारा कोई मदद नहीं, कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। अभी जो है गांव में, जैसे मैंने बताया कि गांव में भी पानी नहीं गया है और हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री है, एग्रीकल्चर है, उसके लिए सब कुछ तैयारी किया हुआ है और कहीं से भी आएगा हम सोचना तो हम लोग उसमें प्रोवाइड कराएंगे। तो जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको परेशानी और तबाही ही नजर आएगी। जरूरत है लोगों को इस परेशानी से निजात दिलाने की और हर संभव मदद पहुंचाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18। वैशाली के बाढ़ग्रस्त इलाका राघोपुर में जलस्तर घटने के साथ ही स्थिति सामान्य होने लगी है। वहीं बाढ़ के पानी में डूबने से हो रही मौत पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने नाव के सहारे माइकिंग कर लोगों को जागरूक किया और ये बताया कि बाढ़ के पानी में बच्चों को खेलने नहीं दें। आपको बता दें कि जुड़ावनपुर थाना अध्यक्ष गौरव श्रीवास्तव ने पूरे थाने क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर के ये बताया कि बाढ़ के पानी में जाने से सतर्कता बरतें, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। बता दें कि राघोपुर सहित जुड़ावनपुर थाना भी बाढ़ की चपेट में है। पुलिसकर्मी नाव से ही ड्यूटी कर रहे हैं। अपने बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को या स्वयं बाढ़ के पानी से बच के रहे, घर में रहे,
जब भी आवश्यकता हो हमें सूचित करें, जुरावलपुर थाने को सूचित करें, हम आपकी मदद के लिए 24 घंटे तैयार हैं। कृपया बाढ़ के पानी में बेवजह बाहर ना निकले, अपने बच्चों को स्नान करने से मना करें, बाढ़ का पानी बढ़ गया है।